शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सेना का मनोबल बढ़ाने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मामले में जिस तरह की भाषा का उपयोग किया है वो काफी शर्मनाक है। राहुल गांधी ने पूरे देश को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि राफेल को कांग्रेस पार्टी ने रेत का पहाड़ बना दिया। राफेल सौदे की सच्चाई अब सामने आ गई है। अब विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए और नैतिक रूप से भी राहुल गांधी जी को यह उजागर करना चाहिए कि वो किसके कहने पर ऐसे असत्य आरोप लगा रहे थे। मैं तो हम सब जानते हैं भारतीय सेनाओं ने 2001 में अपनी सुरक्षा प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए भारतीय वायु सेना के पास राफेल जैसे विमान होने चाहिए इसकी आवश्यकता प्रतिपादित की थी और एनडीए की सरकार ने नहीं, यूपीए की सरकार ने 2007 में इस सौदे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था, लेकिन 2007 से 2014 तक कोई फैसला क्यों नहीं हुआ? देश यह भी जानना चाहता है। देश की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के सवाल पर 7 साल मामला लटका क्यों रहा? यह डील फाइनल क्यों नहीं हुई? क्या इसके लिए किसी दलाल की तलाश जारी थी या इस डील में दलाली की राशि का जो निर्धारण होना था वो निर्धारित नहीं हो पाई? सारा देश जानता है कि कांग्रेस के जमाने में जितने रक्षा के सौदे हुए यूपीए की सरकार के समय उसके पहले भी, उसमें बिचौलियों की, दलालियों की, दलालों की भूमिका बहुत महत्व। माननीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने सरकार से सरकार के बीच सौदा करके इन बिचौलियों की भूमिका को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इसके विपरीत जब कांग्रेस का रिकॉर्ड हम देखते हैं, कभी क्वात्रोचरी तो कभी मिसेल, इस तरह के दलालों को दलाली का मौका मिलता था। देश ये भी जानना चाहेगा, मैं भी पूछना चाहता हूं, बिचौलियों की जरूरत क्या थी? सरकार टू सरकार फैसला क्यों नहीं हो सकता था? सरकार से सरकार के बीच सौदे क्यों नहीं हो सकते थे? मित्रों, 2007 से 2014 तक रक्षा सौदों को लटकाकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की दोषी भी यूपीए की सरकार रही है और इसके बाद जिस ढंग के निकृष्ट शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए किया, अत्यंत शर्मनाक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद कांग्रेस को मुंह छुपाने के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं फिर ये अपील उनसे करूंगा कि देश को बदनाम करने के लिए उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए कैमरामैन नितिन मालवीय के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।